पाकिस्तानी जैश आतंकी कामरान गाजी की मौत के साथ ही एक ऐसे आतंकी का सफाया हो गया है जिसने सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के लिए आत्मघाती आदिल को ट्रेनिंग दी थी। जैश का सरगना मसूद अजहर अपने भतीजे तलहा रशीद के लिए कश्मीर में आतंकी हरकतों को अंजाम देता था। पिछले साल सुरक्षा बलों ने उसे भी मार गिराया था। उसके बाद अजहर ने कश्मीर की जिम्मेदारी अपने टॉप आतंकी कामरान को दे दी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2008 से 2011 तक कामरान अफगानिस्तान में 28 देशों की संयुक्त नाटो सेना से लड़ता रहा और दिसंबर 2018 कश्मीर में सक्रिय था। कामरान की सफाई के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब सेना बचे हुए आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।